राजकोट में बजेट पर केंद्रीय राज्यमंत्री निवेदन, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा निवेदन आयु छे, कहू छे गुजरात सरकारे एमएसएमई सेक्टर ने 1500 करोड़ फाळव्या, बजेट में उद्योगों ने खूब ज सारो विकास थशे, गुजरात बजेट आवकारवादायक छे। तो कि हमारी जो एमएसएमई मंत्रालय है वो कम से कम 48% के करीब एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग छोटी छोटी यूनिटी से बना के उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, इनकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग एमएसएमई और चीज़ों को यही अपने यहाँ देश में बना के अपनी जो देसी चीज़ों को बना के यहीं उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जैसे जो चीज़ें यहाँ बनेगी, फैक्ट्री अपनी लगेगी, सारी चीज़ें होगी, तो निश्चित इससे जो चीज़ें हम लोग आयात करते हैं वो आयात नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ उपयोग करेंगे, उपयोग करने के बाद उन्हीं चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। राजकोट में एक टेक्निकल सेंटर खुलने जा रहा है, वो करीब 200 करोड़ की लागत से होगा। स्टेट गवर्नमेंट को 20 एकड़ जमीन जो मांगी गई है वो मिल भी गई है, सिर्फ कैबिनेट में पास होकर जब वो आ जाएगी तो 200 करोड़ का एक टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ खुल जाएगा। उसमें 200 करोड़ में ढेर सारी मशीनें आएंगी, किसी को कहीं टेस्टिंग कराने के लिए जाना पड़ा था, नई नई चीज़ों का यहाँ इनोवेशन होगा, सारी चीज़ें यही सारी चीज़ें बनाई जाएंगी टेस्टिंग में। और एक और यहाँ एक प्रदर्शनी सेंटर भी बनाया जा रहा है, वो करीब 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, और उसके लिए भी जमीन अभी हम लोग वो जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो जमीन दी जा चुकी है, वो मिल भी गई है, वो भी यहाँ खोला जाएगा, दो चीज़ें यहाँ जल्दी यहाँ बने।